से रिव्यू देता हूँ। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस प्लांट एसेट, फर्नीचर एसेट, कैपिटल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम लाइबिलिटी होता है और इस पे 6% इंटरेस्ट भी लेना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, लोन इज लाइबिलिटी, लोन इज नॉरीन लाइबिलिटी। सो वट अबाउट दैट, 40,000 इज योर लाइबिलिटी एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरेस्ट पेएबल बेटा इस पे निकालेंगे या उसकी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे नॉरीन, इधर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर बेटे दो चीजें लिखेंगे, एक लिखेंगे इंटरेस्ट पेड और दूसरा लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। उसको क्या कहते हैं, ये पेएबल बन जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त चैंपियन, जबरदस्त। अच्छा, क्या मुझे इस क्वेश्चन में से इंटरेस्ट ढूंढ देंगी? ब्ला 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 ब्ला, ये देखो इंटरेस्ट एंड ये है, ये नीचे रेट के। लेकिन नौरीन इसमें बेटा ये नहीं लिखा हुआ कि कितना इंटरेस्ट शामिल है, ये हमें नहीं पता कि इसके अंदर। तो इसका मतलब है ये 6% पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग है नौरीन, ये बेटे पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर अगर कुछ होता ऑलरेडी पेड होता नौरीन, वो हमें अलग से बेटा बताता, वो हमें अलग से उसके बारे में बताता जी सर। और बल्कि ये देखो ना, ये देखो उसने हमें बताया है, रिलेट किया है। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड फॉर 2 मंथ्स, तो बेटा इसका मतलब है कि 2 महीनों का लेना है, ठीक है। बेटा क्या करेंगे यहाँ पे 11740 और यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सर? 40,000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ सही बोल रहे हो, 6% मल्टीप्लाई बाय 2 / 12, आंसर विल बी कितना आएगा नवीन के सर? सर 400 आएगा बेटा। ये जो 400 होगा ये लाइबिलिटी बन जाए। डन, नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यू नो अबाउट दैट, ये ओल्ड प्रोविजन है। और ये बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में कैश इन एंड एसेट, बैंक एसेट। सर गेम तो असल में यहाँ आके फंसती है ना, इसको देखें जरा। सेंडरी डेटर्स इंक्लूड एक्स फॉर डिसऑनर्ड बिल फॉर रुपीज 2000। 2000 का बिल है जो कि डिसऑनर्ड हुआ था, वो भी बेटा इसमें शामिल हुआ हुआ है। अब क्या करें बेटे, इसको हम 2000 को जो डिसऑनर्ड हुआ हुआ है डेटर्स में से माइनस करेंगे नौरीन। बेटा ये जो हमारे डेटर्स हैं ना, ये डेटर्स हमारे कहाँ आएंगे नौरीन? सर ये जो डेटर्स हैं हमारे एसेट्स में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा? बैलेंस शीट की एसेट में। तो बेटा मैंने यहाँ डेटर्स लिखे, साइड पे आएंगे। हाँ मैंने बेटा यहाँ डेटर्स लिखे नौरीन, और कितना माइनस करना है? सर ये डेटर्स है ना, डेटर्स इसमें से आप करें माइनस इसको। एक मिनट बेटे, मैं जरा इसको ना इधर चला लूं ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस और हो जाए। अच्छा बेटा, डेटर्स हैं 1,24,000 और लेस बैड डेट्स कितने हो जाएंगे? सर ये जो डिसऑनर्ड होता है ये बैड डेट्स ही होते हैं 2000 के, ठीक है। बिल रिसीवेबल एसेट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेजेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग इनवर्ड। सर ये सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, सेल्स, ट्रेडिंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, पता है, ट्रैवलिंग, ब्ला ब्ला, इंश्योरेंस। बेटा पहली बात तो ये है कि 600 जो है ना, ये हमारे पास 800 है ना, 800 जी सर। नौरीन इन दोनों को अलग अलग लिखो, इंश्योरेंस बेटा 200 अलग कर दो, 600 अलग कर दो। सर आपने ऐसे क्यों किया है? मैंने आपकी आसानी के लिए किया है। देखो 6 और 200 मिला के नौरीन, इंश्योरेंस का बेटा 600 और 200 मिला के 800 ही बनता है ना सर? बिल्कुल yes. अच्छा अब इस 600 पे मुझे प्रीपेड निकालना है, कितने मंथ्स का निकालूंगा सर? 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे। 9 / 12, तो आंसर क्या आएगा नौरीन? सर इसको करें आप सॉल्व,
600 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन बेटे एक चीज का आपने 9 नहीं होगा नौरीन, ये 6 होगा बेटा। बच्चे ये देखो इसका ईयर एंड कब होता है, मार्च में। कब होता है बच्चे, मार्च में। और ये कौन सा महीना है सर, ये सितंबर है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का फासला कितने मंथ्स का है सर, 6 मंथ्स का। 6 बेटा 31 मार्च से लेकर 31 सितंबर तक 6 मंथ्स का डिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी सर ये होएगा 300। तो बेटे ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है। अच्छा सर अगर मैं ऐसा करूं कि ये 8 इकट्ठा ही लिख दूं और उसमें से सिर्फ 300 वो इस पे 600 पे लेके माइनस कर दूं, बिल्कुल फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, आपका सेम आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है। सर आपने अलग क्यों किया था बेटे, आपकी आसानी के लिए। बैड डेट्स यू नो अबाउट दैट, ओल्ड बैड डेट्स और कमीशन रिसीव क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैपिटल पे 5% डेबिट और अदर डेप्रिसिएशन लेनी आती है, कमीशन नॉट अर्न नॉट रिसीव्ड होता है उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं बेटा, जो आउटस्टैंडिंग नॉट रिसीव होता है उसे क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं। मैंने कहा था वो आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट में ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं सर, आपने उसका बताया हुआ रिसीवेबल, और वो आउटस्टैंडिंग जो डेबिट में होता है वो बेटा क्या होता है सर, वो पेबल। तो ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, एसेट बनेगा फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल लोन के बारे में बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सर उसके बाद वो कहता है कि राइट ऑफ बिल डिसऑनर्ड हाफ। ओ हो सर वो तो कह रहा है कि जो बैड डेट्स हैं आपने तो 1000 के बैड डेट्स बनाए हैं, वो कहता है हाफ बनाओ, तो बच्चा मेरी मजबूरी है। नौरीन पुत्र अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये लाइन ना लिखी होती तो इस तमाम को मैं जो डिसऑनर्ड हो जाता है वो बैड डेट होता है। मैंने ये 2000 का 2000 क्या बना देना था, बैड डेट्स, क्या बना देने थे, बैड डेट्स। लेकिन अब बेटे वो इस एडजस्टमेंट में कह रहा है कि आपने 2000 नहीं लिखना बल्कि 2000 का क्या लिखना है, हाफ लिखना है। बिल डिसऑनर्ड का मतलब है 2000 बेटा, बिल डिसऑनर्ड का क्या मतलब है 2000, और हाफ का क्या मतलब है आधा कर दो, तो ये बन गया। तो सर अब 1,23,000 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1,23,000। अच्छा पंगे पे पंगे बनाई जा रहे हैं, नेक्स्ट देखो जरा, कहते हैं मेक प्रोविजन, ठीक है 5% ठीक है, हम बेटा इस पे प्रोविजन लेते थे ना, ये जो बचता है सर वो कहता है इस पे नहीं लेनी, जब प्रोविजन लेनी है तो पूरा बिल डिसऑनर्ड करके लेनी है। अच्छा तो सर जो न्यू प्रोविजन हम लेने जा रहे हैं, लेस न्यू प्रोविजन, सर जब प्रोविजन लेंगे बैड डेट्स की तो वो 122 पे लेंगे, क्यों बेटे, सर देखे ना बैड डेट्स थे 2000 तो 122 ही पीछे बचता है ना बेटा, कितना बचता है 122 बचता है। लेकिन अब वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि आप बैड डेट्स हाफ लिखें प्रोविजन 122 पे ले। सर ये कहाँ लिखा हुआ है आप बताएं तो सही, बेटा ये प्रोविजन है ये 5% है, वो कह रहा है टोटल बिल डिसऑनर्ड माइनस करके, यानी 122 पे आपने प्रोविजन लेनी है। तो बेटा इस तरीके से आप प्रोविजन कितने पे लेंगे, 122 का 5% जब लेंगे तो आंसर विल बी बी बी, क्या आंसर आएगा सर, 6100 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ चलता हूँ बैड डेट्स की तरफ। सर आपने बैड डेट्स का एक तरीका बताया हुआ है, न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड बैड डेट्स बेटा प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एड सॉरी लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके तो न्यू बैड डेट्स कितने हो गए नौरीन सर, 1000 के। न्यू प्रोविजन बेटा कितनी है सर, न्यू प्रोविजन है 6100 की। ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं सर, इसको देखे ना जरा, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे बेटे, ओल्ड बैड डेट्स मुझे नजर नहीं आ रहे, आपको आ रहे हैं ब्ला 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 ब्ला, आ गए हैं ये लास्ट सेकंड लास्ट है 7240। जबरदस्त, और ओल्ड प्रोविजन बेटा मुझे ऊपर वो नजर आ रही है 5000। ले सर ये तो बात थी, ये हो गया है सॉल्व,
और हमारी होगी या बेटा मौजें। लो ये आंसर आ गया। कोई इशू बाबा जी? पानी तक बाबा जी। अच्छा नौरीन समझ आ गया? यस सर आ गया समझ। कोई मसला मसाइल कोई एडजस्टमेंट? नहीं सर कोई मसला नहीं है। वो वाला मुझे वो जो है ना मैनेजर कमीशन वाला दो दो सवाल में वो आ रहा था दोनों की समझ नहीं। एक जो आपने समझाया था उसकी भी नहीं समझ आपने। बेटा पता है क्या करना है जब हम शाम में पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह।